हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सौम्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। देखिए, आज संडे है तो संडे में तो नॉनवेज ही बनेगा। तो देखिए, अभी मैं बिरयानी बनाने जा रही हूँ। मतलब बिरयानी के लिए अभी मैं चावल प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो एक छोटा सा बर्तन लिया हूँ और उसमें पानी लिया हूँ और जो भी खड़े गरम मसाला डाली हूँ। और उसके बाद वो उबाल आने के बाद ना, जो चावल मैंने धो के रखी थी वही डाल दिया। अभी मैं प्रेशर कुकर में बनाई हूँ। मतलब क्या है ना, मैं दो तीन लोगों के लिए बनाती हूँ इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना देती हूँ। आप लोग मतलब ज़्यादा लोगों के लिए बनाओगे तो वो जो बड़ा वाला डिश में आप लोगों को बनाना है। तो क्या है ना, मैंने तेल ले लिया। तेल गर्म होने के बाद ना खड़े गर्म मसाला डाल दिया, तेज़पत्ता, जो सूखी मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च, ये सब लेने का है। और जो मैरिनेट करके मैंने चिकन को रखा था 1 घंटा पहले, तो उसको अभी मैंने डाल दिया। अभी इसको मैंने 20-25 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी तेल में। और जब मैरिनेट किया था ना, तब मैंने नमक नहीं डाली थी। अभी मैंने देखिए स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। मतलब क्या ना, पहले नमक डाल दिया तो ज़्यादा पानी निकलेगा, तो इसलिए अभी मैं नमक डाली हूँ। तो अभी मैं इसको 20-25 मिनट तक इसको फ्राई करना है। देखिए, चिकन अभी अच्छे से कुक हो गया है और साइड में मैंने राइस को 80% कुक करके रखी थी। अभी इसको अभी डाल रही हूँ, लेयरिंग कर रही हूँ। मतलब चावल थोड़ा सा डाल दिया, उसके बाद मैंने फ्राई करके ऑनियन रखी थी उसको भी अभी डाल रही हूँ। और बारीक कटा हुआ जो धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता को वो ही रखी थी, वो ही थोड़ा सा डाल रही हूँ। ऐसे ऐसे करके ना मतलब लेयर करूँगी सारे चावल के साथ, ये जो प्याज और पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता को। देखिए, बिरयानी बन के रेडी है। इधर जो हस्बैंड सर्व कर रही है, मैं बोली कि नहीं आप प्लेट में सब निकालो। और देखिए, तीनों प्लेट में एक फ्रेंड को हम बुलाए हैं, वो भी आएंगे, अब मिल के सब खाएंगे। देखिए, try to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. देखिए, शाम को पेटी को थोड़ा सा हम पार्क लेके आए हैं, वो खेल रही है।
try to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सौम्या, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मतलब क्या है ना, कल संडे था तो हम कुछ शॉपिंग किए हैं, मतलब बेटी के लिए। मतलब हमारा एक फेस्टिवल आ रहा है ट्यूसडे को, प्रथमाष्टमी। मतलब घर का जो पहला बच्चा है ना, उसका पूजा होता है, जो इडली हमारा ये सब फेस्टिवल में बनता है। तो इडली बना के ना भगवान के पास पूजा करते हैं, और ऐसे पहला बच्चा को पूजा करते हैं, नया कपड़ा पहनाते हैं वैसे ही। तो उसके लिए हम एक नया ड्रेस लाए हैं, और वो भी नया ड्रेस के लिए जो नाना नानी के घर से पैसा आता है, तो मेरे पापा ने पैसा भेजे हैं। तो बेटी के लिए हम एक नया ड्रेस लाए हैं, वही दिखाऊंगे आप लोगों को। और एक नया बटल भी हम लाए हैं, देखिए। मतलब एक बटल था वो पुराना हो गया है, मतलब उसका तो दो तीन बटल है लेकिन पुराना हो गया है, तो एक बटल हम लाए हैं, देखिए 500 ml का है। देखिए कैसे ओपन होता है, मैं दिखा रही हूँ, देखिए ऐसे होता है, और ये स्ट्रॉ है, और ऐसे स्ट्रॉ में वो पिएगी, और कैसे बांध होता है, देखिए ऐसे बांध होता है और ऐसे ओपन होता है। ब्लू कलर का है, मुझे ना एक येलो कलर का पसंद आता था, फिर बेटी ने बोली कि नहीं मैं ये ब्लू कलर का लूँगी, तो चलो ये ब्लू कलर का लेके जाएंगे। तो ये ब्लू कलर का हम लेके आए हैं, और देखिए उसके लिए एक कलरिंग कप लेके आए हैं। मतलब एक पिक्चर है और उसको देख के वो दूसरा को कलरिंग करेगी, देखिए ऐसे। नया ड्रेस में दिखा रही हूँ, इसके अंदर नया ड्रेस है, ये देखिए ये इनर है, और उसके ऊपर ये जैकेट है मल्टी कलर का, व्हाइट कलर के ऊपर प्रिंटेड है मल्टी कलर का, और देखिए डिजाइन ऐसा है, देखिए ये जैकेट है, और ये पैंट है, और ये देखिए इधर बटन है, और इधर चेन है, और ये इलास्टिक का है, और नीचे का डिजाइन है ऐसा। तो हम तो हमेशा फ्रॉक वाला ऐसे लेके आते हैं, तो इस बार ना ये डिजाइन हम लेके आए हैं, और उस दिन वो पहनने की, जो वो पहला बच्चा है ना, वो पूजा वगैरह, मतलब वो जिसका घर में है बच्चों को पूजा करना है वो घर में होता है, नहीं तो जो मैं पिठा वगैरह बनाती हूँ वही
पूजा करूँगी। चलिए मेरा यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करती हूँ। और सास भी थे, सास भी मतलब बहुत दिन मतलब थे, हमको भी बहुत अच्छा लगता था। अभी वो नहीं है, वो गांव चले गए हैं, तो फिर कब आएंगे। तो घर बिल्कुल सुना सुना लग रहा है, घर बिल्कुल मतलब खाली खाली लग रहा है। तो चलिए, और सास जो आए थे ना वो भी चले गए गांव। चलिए मैं बाद में मिलती हूँ आप लोगों के साथ, टाटा बाय बाय। मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताइए बाद में।